अपने बारे में कुछ बताइए सर। आप मेरा नाम रामराज तिवारी है। वर्तमान में मैं एल्डरमैन मनोनीत निगम पार्षद EDMC हूँ पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, और 2011 से अन्ना आंदोलन से जुड़ा हूँ। ज़्यादा लंबा न हो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये NGO के माध्यम से स्टार्टिंग हुई इसकी, आम आदमी पार्टी बनी। इन्होंने कहा कि मोहल्ला सभा बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इन्होंने जो कुछ कहा वो आज तक कोई पूरा काम हुआ नहीं है। इसलिए हम त्रस्त हो रहे हैं, ना तो लोकपाल की कुर्सी अभी तक खाली है, कहीं लोकपाल आया ही नहीं है। अरे लोकपाल के चक्कर में NGO से आम आदमी पार्टी बन गई, अभी तक लोकपाल आया ही नहीं है। अब पानी पिला रहे हैं सीवर का, अब कह रहे हैं पूरा पानी। उन आदमी मीडियम क्लास के आदमी से, गरीब आदमी से पूछो जो लाइन लगा करके सड़कों पर करावल नगर की धरती पर, देखो खजूरी से लेके करावल नगर तक शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक टैंकर की लाइन लगी हुई, लोग परेशान हैं, कहते हैं हम पानी फ्री दे रहे हैं। एक एक आदमी का 10-10, 20-20 हज़ार रुपये तो पानी का बिल आ रहा है। 2-2 मीटर बिजली के चल रहे हैं, 1 मीटर 1 महीने में 230 यूनिट देता है, वही मीटर दूसरा वाला 1 महीने में 360 यूनिट दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये हर जगह भ्रष्टाचारी हो रही है, घूसखोरी हो रही है, इसलिए बहुत दुख हुआ है। और सबसे बड़ा दुख हुआ पूर्वांचल के लिए। ये छठ पूजा जो है ये DDMA में, इनको 2-3 महीना पहले हमने कहा था कि आप इसको कर दीजिए। हर साल हम पूरी दिल्ली में छठ पूजा को मनाते हैं और पूरी दिल्ली में हम जा करके अपने पूर्वांचलियों की मदद करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के बनने के बावजूद भी इन्होंने जानबूझ करके पूर्वांचलियों का अपमान किया है। और पूर्वांचली इसको कभी जीवन में भूल नहीं सकते हैं। आखिर में किया तो बुढ़िया ने, अपनी शादी रचाई तो न, लेकिन सब कुछ गंवा के। जब कहा गया था कि शादी रचा लो तब तो नहीं रचाया है। और जब भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, सांसद माननीय मनोज तिवारी जी ने चिट्ठी लिखा कि भैया ये पूर्वांचल की बात है, क्योंकि मनोज तिवारी जी पूर्वांचल के हैं, इनको दर्द हो रहा है, खून तो खून को ही पुकारेगा ना, उनको दर्द हुआ। हमने कहा हम परेशान हो रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की आँख नहीं खुली, कभी नहीं खुली। उनको ये था कि पूर्वांचलियों को कतई अब की बार छठ पूजा का पूजन नहीं करने दिया जाएगा, जिससे ये हम LG का नाम लेंगे। LG का नाम क्यों लोगे भाई, ये तो फर्जी, तुम पूर्वांचल विरोधी हो। आखिर में जब उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, फिर DDMA की मीटिंग बुलाया, अब क्यों बुलवा रहे हो भाई, अभी तुम क्यों अब पहली तारीख से परसों जो है क्यों तुम स्कूल खोलने को बोल रहे हो, LG से बोलो ना खोले, अब तुम क्यों खोल रहे हो, तुमने छठ पूजा को क्यों बंद किया, तुमने LG के कहने पर तब किया जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, सांसद का सर फूटा, खून निकला, अस्पताल गए, तब तुमने चिट्ठी लिख के मीटिंग बुलाया और तब तुमने जो है छठ पूजा का तुम सरासर दुश्मन हो। और ये आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है, ये NGO है, राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसको आप NGO ही बना दीजिए, क्योंकि दिल्ली वालों से मेरी बात हो रही है, जिससे भी बात होती है वो यही कहते हैं कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, क्योंकि मुखिया भी इसका यही बोला था कि ये राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये NGO है। चलो जी अब पीछा छोड़ दो, अपना NGO बना के NGO का काम करो बस।